दिलीप कुमार साहब के जाने का गम दोस्तों बहुत सारे लोगों को हुआ। शाहरुख खान जो कि उन्हें अपना मुंह बोला पिताजी कहते थे, और वो खुद भी दिलीप साहब और सायरा बानू जी भी शाहरुख खान को अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, उनको तो दुख हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी हुआ है। अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी और दिलीप कुमार की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिस दिन उनका इंतकाल हुआ। अब उन्होंने अपने ब्लॉग में दोस्तों एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको उसका सारांश बताता हूं कि आखिरकार क्या है वो एग्जैक्ट में और किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चन साहब। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बच्चन साहब की बात करें दोस्तों तो बच्चन साहब ने दिलीप साहब के जो कब्र हैं जहाँ पे वो दफनाए गए वहाँ पर भी वो गए थे। दिलीप साहब का इंतकाल 8 तारीख को हुआ, 8 जुलाई को दोस्तों, और हम सबको पता है कि वो काफ़ी सालों से वो बीमार चल रहे थे, और ऐसे में अभी पिछले महीने की बात है उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि वो सही सलामत वापस आ गए। 98 साल के थे दिलीप कुमार साहब, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। मधुर भंडारकर जो अमेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी मिलने पहुंचे थे। बच्चन साहब ने ब्लॉग की बात करें दोस्तों तो उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि द नेम दैट हैड बीन फ्लोटिंग इन द वैक्यूम सडनली टुक शेप राइट देयर ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी लार्ज एंड इन ब्लैक एंड वाइट दैट नेम दैट यूजुअल ऑफन रिपीटेड इन कॉन्वर्स दिलीप कुमार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिलीप कुमार साहब को इस तरीके से याद करते हैं। देर वॉज समथिंग इन हिज प्रेजेंस व्हेन ही अपीयर्ड ऑल अदर्स बिकेम अ ब्लड फोकस व्हेन ही स्पोक यू फेल्ट राइट कन्विंस्ड एंड यू केम बैक विद ऑल ऑफ दैट होम एंड इट रिमेन्ड विद यू। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब पर्सोनिफाइड जो पर्सोना था उनका वैसा था। आफ्टर लॉन्ग कंटेम्पलेशन which drove me to awe the shivering excitement, I decided to approach him for an autograph, but an autograph book. So out again in the street, a book brought and inside the restaurant again, and relieved to still find him there. The walk up to him, he is concentrated, conversation. I push my words to him in general, and the book in the hand. There is no reaction. He did not even look at me or the book, and after a short while, walked away out through the door and gone. The autograph book still in my vacant hand. The autograph book was not important at all. It was his present. That's it. Wow. This is such an amazing thing. जो उन्होंने लिखी है। दोस्तों आपका क्या reaction है? जरूर बताएं।